एक बेकरी, 70 साल, 700 से ज़्यादा आइटम। आपका स्वागत है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडीएस्ट और सबसे ज़्यादा फेमस बेकरी में। मैं इस समय हूँ देहरादून के इलोराज बेकरी में, जहाँ पे न जाने कितने सालों से ये बेकरी कितने हज़ारों लाखों लोगों को अपने इस स्वाद का जो जायका है ना वो चखा चुके हैं। भाई बात करें इनके बिस्किट्स की, बात करें इनके रस्क की जो कि वर्ल्ड फेमस है, बात करें इनके केक्स की, इनकी ब्रेड्स की और हर एक आइटम की जो कि आपको यहाँ पे मिलती है, वो इतनी ज़्यादा लाजवाब है ना कि शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जो इलोरा बेकरीज ना आया हो जब वो देहरादून आया हो। तो भाई मैंने देखा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ आते हैं, इनकी आइटम लेके जाते हैं और जाके अपनी बढ़िया चाय की चुस्की के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। लेके चलता हूँ आपको इलोराज में, दिखाता हूँ किस तरीके से इन आइटम्स को तैयार किया जाता है और हर कोई क्यों इतना ज़्यादा दीवाना है इलोराज की इन आइटम्स का। आइए मेरे साथ। तो जी फाइनली मैं अब आपको लेके आ चुका हूँ अंदर इलोराज बेकरीज के और एक एक करके ना आपको यहाँ की जो फेमस आइटम्स है जो हम ना जाने कितने सालों से खाते आए हैं, कितने सालों से मंगवाते आए हैं। कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई दोस्त आ रहा है, कोई भी आता है ना भाई देहरादून, उसको बोलते हैं भाई बाद में कहीं और जाना, पहले हमारे लिए इलोराज से ही शॉपिंग कर लेना। तो वो आइटम्स जो हम बचपन में भी खाया करते थे, जो यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे तो बहुत सारी आइटम्स हैं और सारी की सारी आइटम्स आप तक आपको दिखाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन वो आइटम ज़रूर दिखाएंगे कि जब भी आप आएँ यहाँ तो वो आइटम ज़रूर खाएँ भी और लेके भी जाएँ। शुरुआत करते हैं इस काउंटर से। अब इस काउंटर पे आपको मिलते हैं क्रीम रोल और यहाँ पे एक वैरायटी के क्रीम रोल नहीं है, यहाँ पे 6-7 वैरायटीज के क्रीम रोल है। मैंगो क्रीम रोल है, चॉकलेट क्रीम रोल है, वनीला क्रीम रोल है, लेकिन हम खाएंगे ऑथेंटिक वनीला क्रीम रोल जो मैं और आप वो स्कूल के बाहर या फिर वो अपनी लोकल बेकरी से खाया करते थे। ये देखिए अलग अलग वैरायटीज के क्रीम रोल है। मैम एक वनीला क्रीम रोल दे दीजिए और उसके बाद आपको डोनट भी मिल जाते हैं। अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप उनके साथ ये डोनट भी इंजॉय कर सकते हैं। अब ये है वो क्रीम रोल और आई एम श्योर ये देख के आपको आपके बचपन याद आया, और अगर आया तो ज़रा कमेंट्स में जाके बताओ। ये देखिए बढ़िया क्रिस्पी फ्लेकी और अंदर से क्रीम से लबालब। मुझे नहीं लगता कि इलोराज में आके आपकी इससे बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। तो क्रीम रोल ज़बरदस्त एक ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पे आके सबसे पहले ट्राई करना चाहिए। तो भाई देखिए इलोरा बेकरीज में, अब मेरे को लगता है इलोरा बेकरीज को देहरादून से ज़्यादा देहरादून के लोग जानते हैं। और ये बताइए कि कब से आ रहे हैं, क्या क्या लेके जाते हैं अपने लिए घर वाले? याद भी नहीं है कब से आ रहे हैं, और मैं जब छोटी थी तब से, और जब मेरे बच्चे हुए उसके बाद अब वो बच्चों के बच्चे भी हैं तो वो सब, तो आप दादी बन चुके हैं। लेकिन कुछ आपकी आइटम्स होंगी यहाँ की फेवरेट जो आप आते भी हैं लेके भी जाते हैं? देखिए सबसे तो आपकी जो चॉकलेट बटन पेस्ट्री है उसका जवाब नहीं है, जस्ट मेल्ट्स इन द माउथ, उसका मतलब वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी जी। और एलोराज का वो एक एलोराज मतलब वो जरूर है, जरूर। तो आपके रिश्तेदार भी आई एम श्योर बड़े बड़े अलग अलग जगहों पे होते होंगे, पूछे मत, सामान से ज्यादा आपका सामान ले जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ ना जितने भी लोग देहरादून आते हैं या देहरादून से जाते हैं ना भाई, उनको यही सबसे पहली वो दी जाती है कि भैया आप कहीं और बाद में जाइएगा, पहले इलोरा जाइए, हमारे लिए ये वाला रस, ये वाले बिस्किट, ये वाली पैटीज, ये सब पैक करा के ले आइए। और ये जैसे कि बता रही है कि हमारा सामान कम होता है, इलोरा के थैले ज़्यादा होते हैं। तो पहुँच चुके जी हम अपने सेकंड काउंटर पे। ये देखिए अलग अलग वैराइटीज़ की यहाँ पे भी आपको लड्डू मिल जाते हैं, कुछ इंडियन स्वीट्स भी ये रखते हैं, हालांकि गिनी चुनी 4-5 जिसमें आपको लड्डू मिल जाते हैं और साथ में आपको बेसन के लड्डू मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे मतलब बहुत आकर्षित किया वो है यहाँ पे बाल मिठाई, अल्मोड़ा की मिठाई है। अल्मोड़ा में आप काफ़ी जगहों पे देखते हैं लेकिन अब आपको बाल मिठाई एलोरास पे भी मिलती है। तो मैम बाल मिठाई दे दीजिए और मिल्क चॉकलेट दे दीजिए, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो अल्मोड़ा जाके मैं ज़रूर खाता हूँ और आई एम श्योर आप भी खाते होंगे। तो ये देखिए ये आ गई बाल मिठाई और ये आ गई मिल्क चॉकलेट। थर्ड काउंटर यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश जो क्या कहते हैं डिज़र्ट्स होते हैं वो आ गए, ब्राउनी है, चोको ब्राउनी है, कैरमल ब्राउनी है, ये सब आप खा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको और जगहों पे नहीं मिलती, सिर्फ क्रिसमस के दौरान मिलती है, वो है प्लम केक। तो यहाँ पे आपको प्लम केक 365 दिन मिलता है, बाकी जगहों पे, बाकी बेकरीज पे 365 दिन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा तो क्रिसमस के दौरान मिलेगा। उसके बाद थोड़ा और आगे आइए, ये देखिए यहाँ पे एक चॉकलेट की वैरायटी देखिए, इतनी सारी चॉकलेट्स की वैरायटी मुझे लगता नहीं है कि आपको किसी भी बेकरी पे मिलेगी, अगर मिलेगी तो इस क्वालिटी की नहीं मिलेगी। जैसे कि इनके जो चॉकलेट कोटेड कैशू नट्स हैं, कैशू नट है उसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग है, उसके बाद ये चॉकलेट कोटेड बटर स्कॉच, ये मेरे फेवरेट है, बहुत लाजवाब होते हैं ये। उसके बाद आप देखेंगे ट्रफल्स है, प्रलीन है, डार्क चॉकलेट अगर आप खाना पसंद करते हैं तो उसके भी ढेर सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आते रहिए। अब देखिए यहाँ पे पेस्ट्रीज के ना दो अलग अलग काउंटर है, एक है एगलेस पेस्ट्रीज जहाँ पे आपको ऑफकोर्स अंडे के बिना पेस्ट्रीज मिलती है, और एक है एग वाली। तो बाकी जगहों पे आप जाते हैं एक ही काउंटर के अंदर एग वाली भी होती है, एगलेस भी होती है, लेकिन यहाँ पे सब अलग है। और वैरायटीज ऑफ पेस्ट्रीज देखिए ज़रा कितनी सारी वैरायटीज़ है, मेरे ख्याल से ना करते करते भी इस काउंटर के अंदर अंदर ही 25 से 30 वैरायटीज़ ऑफ
पेस्ट्रीज या फिर आपको पुडिंग शॉर्ट्स जो है वो मिल जाते हैं, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद ये लेमन टार्ट हो गया, ये देखिए रॉयल चॉकलेट मूस पेस्ट्री, देखिए कितनी बढ़िया क्वालिटी की लग रही है। लोटस बिस्कॉफ भी बहुत अमेजिंग है। और ये देखिए, ये है चॉकलेट मूस इक्लेयर, ये बचपन में आपने ज़रूर खाया होगा, और अगर बचपन में आपने ये खाया तो मुझे ज़रा बताना कमेंट्स में जाके। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे है ना वो बिल्कुल 5-स्टार कैटेगरी है, मतलब लेकिन प्राइस जो है वो एक नॉर्मल बेकरी जैसे है। नॉर्मल बेकरी में हम जाते हैं तो आपको 60-70-80 रुपए की पेस्ट्री मिल जाती है, बट आप 5-स्टार जाते हो तो 300-400 रुपए की यही पेस्ट्री यही क्वालिटी की मिलती है। तो दैट इज़ व्हाट मेक्स देम एवरीबडीज फेवरेट। इसलिए शायद मैंने देखा बड़े बड़े अफसर भी आ रहे हैं, पॉलिटिशियन भी आ रहे हैं, एक्टर भी आ रहे हैं, नॉर्मल पीपल भी आ रहे हैं, आम आदमी भी आ रहा है, और हर किसी के लिए ये बेकरी। और शायद इसीलिए 70 साल हो गए इस बेकरी को लोगों के दिलों पे राज करते हुए, और आई थिंक वो करते ही चले जा रहे हैं। लेकिन मिठाइयों के अलावा अगर बात करूँ, स्वीट्स के अलावा, डिजर्ट्स के अलावा बात करूँ, तो ये देखिए, ये इनका एक काउंटर है जहाँ पे आपको सेवरीज मिल जाती है। जैसे आप देहरादून आए, आप मसूरी जा रहे हैं, भूख लगी है सुबह की, शाम की, दोपहर की, सैंडविचेस बहुत सारी वैरायटी है, पनीर टिक्का है, कोस्लो है, चीज़ है, पुदीना है, वेज सैंडविच है, चीज़ बन है, मशरूम बन है। उसके अलावा आप देखें कि बर्गर्स भी हैं, गार्लिक टोस्ट भी है। और प्राइजेस सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्राइस पे एक बार ध्यान दीजिए, 70 रुपये के अंदर आपको इतनी बढ़िया क्वालिटी का सैंडविच मिल जाता है। आपको अगर वेज पिज़्ज़ा स्क्रोल खाना है 70 रुपये का वो मिल जाता है, हॉट डॉग खाना है 90 रुपये का वो मिल जाता है। और इसमें भी दो कैटेगरीज है, वेज और नॉन वेज। वेज में आपने देखा बहुत बड़ा काउंटर है, उसी हिसाब से नॉन वेज भी है। तो चिकन सैंडविच आप ले सकते हैं, ट्यूना सैंडविच मिल जाता है, एग सैंडविच मिल जाता है, चिली चिकन हॉट डॉग मिल जाता है। उसके बाद ये लास्ट काउंटर है, मेरा प्रॉमिस आपसे लास्ट काउंटर है, और यहाँ पे है जी ये बचपन का प्यार, बचपन की यादें, पैटीज, पनीर पैटीज, वेज पैटीज, चीज़ पैटीज। ये तो भैया मतलब कुछ और खाएं ना खाएं, ये पैटीज ज़रूर आप खाएं। उसके बाद समोसे, मटन कीमे का समोसा है इनके पास, जो कि इनका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और फेमस है। ये है जी यहाँ पे वेज पैटीज, ये 40 रुपये की कीमत है इसकी, और ये बहुत ज़्यादा लाजवाब है। बाहर से सुपर क्रंची है, अंदर से सुपर सॉफ्ट है, और जो फिलिंग है ना वो बहुत ही लाजवाब है। लेकिन ये है मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन, और शायद 90% लोगों का सबसे फेवरेट सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको बिस्किट्स की वैरायटी, केक्स की वैरायटीज़, और ना जाने कितना कुछ मिलता है। तो एक एक करके सारे काउंटर्स पे यहाँ के भी लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये खारी, ये जिसको हम मरोड़ी बोलते हैं, ये है जी यहाँ की खारी, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा, मैं देख रहा हूँ जितने भी लोग आ रहे हैं ना, पैक करा के भी लेके जा रहे हैं और अपने बास्केट के अंदर इसको ज़रूर डाल रहे हैं। तो ये है खारी। अब इसमें अलग अलग वैरायटी है, एक स्पेशल है, एक चीज़ वाली है, एक मेथी वाली है, और एक ये लवाश स्टिक्स, ये तो अलग होगी कैटेगरी, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद जिसके लिए एलोरास जाना जाता है, अपने रस के लिए, यहाँ पे रस की वैरायटीज़ 5-6 मिल जाती हैं आपको, लेकिन ये केक रस भाई मतलब ये आप मिस नहीं कर सकते। और मेरे साथ साथ अगर आपके भी ये फेवरेट है ना तो ज़रा बताना। ये देखिए, ये है केक रस, ये देखिए, ये है इनका टेस्टर सेक्शन। तो यहाँ पे जितनी भी वैरायटीज़ आप देख रहे हैं, चाहे बिस्किट्स हो, चाहे रस्क हो, चाहे खारी हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी की सारी आइटम्स आपको यहाँ टेस्टर के तौर पे दी जाती है। तो आप पहले खाइए, पर्सनली खाइए, फिर खुद जाके उठाइए अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। तो ये है वो केक रस जिसका हर कोई इतना दीवाना है ना, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं जी अपने कुकीज सेक्शन पर, और यहाँ पे जैसे जैसे कुकीज़ ख़त्म होती रहती है वैसे वैसे रिफ़िल होती रहती है। अब इस बेकरी की ये भी सबसे खास बात है कि यहाँ पे हर कुछ फ्रेश बनाया जाता है, काउंटर के हिसाब से बनाया जाता है। वैरायटी ऑफ कुकीज़ दिखाता हूँ, शुरू कीजिए गिनना, आटा कुकीज़, मल्टीग्रेन कुकीज़, ओट्स कुकीज़, ग्लूटेन फ्री, जीरा, मल्टीग्रेन, पिस्ता, वनीला, बादाम, कॉफ़ी पेपर, अजवैन, हनी कैश्यू, हनी आलमंड, हनी वॉलनट, कोको क्रंच, मतलब मेरे को लगता है मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा कि इतनी वैरायटीज ऑफ कुकीज़ इनके पास है। और यही सबसे खास बात है, मेरी जो फेवरेट है मैं आपको दिखाता हूँ, हनी कैश्यू कुकीज़। भाई मतलब ये अगर आपने एक बार खा ली ना तो मैं सच बता रहा हूँ, आई एम नॉट किडिंग, प्यार हो जाएगा आपको इससे। अब बहुत सारी वैरायटी, मैं एक बार आपको ओवरऑल वैरायटी दिखा देता हूँ, एक बार आप पूरी वैरायटी देखिए। चलिए जी अब रस्क की वैरायटी गिनना शुरू करिए, एक मैंने आपको दिखा दी, दूसरी ये देखिए, ये है सॉफ्ट वाले रस। आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से इसको पैक किया गया है। बाकी जगहों पे एक डिफरेंट है जो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, वो ये है कि यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ रस है ना वो डिफरेंट है। बाकी जगहों पे जो प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है ना वो बहुत डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे जैसे रस को करारा करने के लिए प्रॉपर
रिफाइंड वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्योर बटर के अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें मिलती है। 100% बटर का इस्तेमाल करते हैं ये सारी की सारी चीज़ों को बनाने के लिए। और ये सॉफ्ट रसदार आप देखिए कितने बढ़िया। उसके बाद अगर आपको ड्राई केक्स की वैरायटीज चाहिए ना, हनी आलमंड केक, लुक एट दैट, कितना बर्फ। देखिए आपको केक नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ आलमंड खूब सारी क्वांटिटी में भरे हुए दिखेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये आपको आई एम श्योर देख के आपको बचपन याद आएगा, ये है लिटिल हार्ट्स, यानी कि फ्रेंच हार्ट्स जिसको बोलते हैं। ये वाला डब्बा तो हमने साथ ही रखा हुआ भाई। यहाँ पे ना बास्केट, जैसे आप जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मार्ट में बास्केट्स होती है ना, यहाँ पे भी बास्केट्स दी हुई हैं। कम से कम ये पूरी, ये देखिए जो भी आ रहा है बास्केट उठा रहा है जा रहा है। तो मेरे तो भाई बास्केट की तैयारी शुरू हो चुकी है। फ्रेंच हार्ट इज़ हियर, आइए अब आगे। अब ये देखिए, ये है मिल्क टोस्ट, जिसको पापे बोला जाता है, मिल्क टोस्ट है यहाँ पे। दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू टेक फ्रॉम एलोरास। शुगर फ्री रस, ये एक और वैरायटी ऑफ रस मिलते हैं शुगर फ्री। इसके अंदर ऑफ कोर्स चीनी नहीं होती, और जो लोग खाना चाहते हैं रस लेकिन सिर्फ इस चक्कर में नहीं खाते कि मीठा ज़्यादा होगा, दिस इज़ फॉर यू। ले लेता हूँ। आहा, जैम वाले बिस्किट बचपन में खाए होंगे आपने, आई एम श्योर खाए होंगे। ये है जैम वाले बिस्किट और ये बहुत लाजवाब होते हैं, ये भी ले लेता हूँ। आटा बिस्किट तो ऑफ कोर्स मैं मिस ही नहीं कर सकता। अजवाइन वाले बिस्किट, ये देखिए, ये वो वाले बिस्किट हैं अजवाइन वाले जो बचपन में आपको चाय के साथ आपकी मम्मी सर्व किया करती थी। चलिए आइए एक जगह जो कि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है एलोरास पे, और आई थिंक बच्चे बड़े सबकी फेवरेट होगी, वो ये वाला काउंटर, क्योंकि इस काउंटर में मिलता है मेरा प्यार, और मेरा प्यार है ये स्टिक जॉस। पहले मैं खाऊँगा फिर पैक करूँगा। ये देखिए, अब ये कैसे खाते हैं आपको पता है, ये क्यों खाई जाती है ये भी आपको पता है, क्या खासियत है इसकी ये भी पता है, ये क्या खूबी है वो भी पता है, बस आपको खाना है और बाकी सारा का सारा ये काम करेगी। और हाँ, जब खा लेंगे ना उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि 5-7 मिनट के लिए कुछ बोलिए मत, बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि हर जगह चिपक जाएगी। एक डब्बे से मेरा काम नहीं होगा, 3 डब्बे तो बंद है। लास्ट सेक्शन प्रॉमिस, ये है जी ब्रेड सेक्शन, जहाँ पे आपको मल्टीग्रेन ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड, स्वीट बन, मीठे बन, मसाले वाली ब्रेड जो कि बहुत कम देखने को मिलती है बेकरीज में, मसाले वाली ब्रेड, गार्लिक फ्रेंच लो, और ये सिर्फ 80 रुपये का है, लेट मी टेल यू ओनली 80 रुपीज़। के साथ साथ बहुत सारी और वैरायटीज मिल जाती है। अगर कोई सबसे बेहतरीन बेकरी है शायद देहरादून तो है ही है, लेकिन अगर आसपास भी है तो मेरे ख्याल से एलोरास है। और अगर आपकी भी ये फेवरेट बेकरी है तो कमेंट्स में जाके बताना, और ये भी बताना कि क्या एलोरास में से सबसे फेवरेट चीज़ आपकी कौन सी है, और जब कोई भी अगर आता है एलोरास उसको आप क्या बोलते हैं हमारे लिए पैक करा के लेके आना। तो मैं तो अभी 2-3 थैले और पैक कराऊंगा, तो आप मेरे साथ थोड़ा सा और बने रहो, दिखाता हूँ कितने सारे थैले पैक करा के लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे यार, हर किसी ने मुझे बोला भाई एलोरास जा रहा है ना, बस ये पकड़ ले, ये पकड़ व्हाट्सएप, जल्दी जाइयो, ये ले लियो, ये ले लियो, भाई अब सबकी सुननी पड़ेगी। तो चलिए थैले तैयार करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल थैले हैं, और ये मेरे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जब देहरादून आने से पहले जिन्होंने फरमाइश की थी भाई वहाँ जाके सब कुछ लेके आना जो जो हम आपको लिस्ट दे रहे हैं। तो ये कम से कम 5 से 6 लोगों के जो डिमांड थी या जो विश थी ना, वो मैं पूरी कर रहा हूँ अपने एलोरास के इन थैलों के साथ। तो भाई बहुत अमेजिंग, बहुत बेस्ट, एंड आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट बेकरीज यू विल फाइंड नॉट ओनली इन देहरादून बट आई थिंक मोस्ट ऑफ इंडिया। तो भाई जब भी आप आएँ देहरादून में एलोरास बेकरीज पे आएँ, अपने लिए भी ले पैक कराएँ, और उन लोगों के लिए भी लें जो आपको लंबी सी लिस्ट देने वाले हैं यहाँ आने से पहले। चलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बताइएगा कमेंट में जाके एलोरास की सबसे फेवरेट डिश आपकी कौन सी है।